नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सारे लोगों का डर 24/7 सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम संतोष कुमार है और आप सब लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन में तहे दिल से स्वागत है द रोड टू एसबीआई क्लर्क 2023, द काउंटडाउन टू 2023 थाउजेंड क्लर्क बिगिंस टुडे है ना 45 डेज क्रैश कोर्स आज डे वन है मेरे प्यारे बच्चों और आज से एक अलग ही लेवल का प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जिसमें हम लोग मॉक करेंगे जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करेंगे verb, edms, आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस एंड ईडियम्स आपके प्रीपोजिशन के ऊपर क्लासेज आपके पूरे के पूरे जो टॉप वन रूल्स हैं ग्रामर रूल्स वो सारी के सारे इसी पैंतालीस दिन के क्रैश कोर्स का ही हिस्सा बनने वाले हैं है ना इसलिए हर रोज आपको बहुत देखना मैंडेटरी है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए हर रोज फोर्टी डे का ये क्रैश कोर्स कंटिन्यू करना 45 दिन तक आप सब लोगों को मेरे साथ इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना है 11 बजे दोस्तों ध्यान रखिएगा ठीक है हम लोग आ, बहुत सारी चीजें अभी दिमाग में अप है शेड्यूल्ड है कि किस दिन हम मुझे क्या करवाना है मॉक कितने दिन यहां पे लेना है प्लस उसके साथ ग्रामर रूल्स की कौन सी क्लास आपकी करवानी है इंपॉर्टेंट फिक्स प्रपोजिशन की क्लास आपकी करवानी है बहुत सारी चीज अभी दिमाग पे लाइन है एरर डिटेक्शन की क्लास हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं केवल केवल फिल इन द ब्लैंक्स भी हम लोग करेंगे जो आपका थोड़ा सा थोड़ा सा वीक पोजिशन आपका वीक सेक्शन आपको हो जाता तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है बस सिर्फ इस बात की टेंशन लेनी है कि सुबह के ग्यारह बजे अपने आप को कहीं भी बिजी नहीं करना है कहीं भी बिजी नहीं करना है चाहे वो कोई भी दूसरा सब्जेक्ट क्यों ना हो चाहे वो कोई भी दूसरी प्रायोरिटी क्यों ना हो दूसरा कोई काम ही क्यों ना हो ये ध्यान रखिएगा ना तो मैं अपने आप को बिजी करूंगा और ना तो आप अपने आप को बिजी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है चलिए शुरुआत यहां पर करते हैं हम लोग जितने भी लोग नए हैं फर्स्ट टाइम सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों शेड्यूल आप एक बार इंग्लिश का मेरा शेड्यूल आप एक बार ध्यान रख लें जिस टाइम आपको जुड़ना है सुबह आठ बजे आपको एडिटोरियल का सेशन जुड़ना है लाइव और सुबह ग्यारह बजे आपको इंग्लिश का सेशन जुड़ना है इंग्लिश में यूट्यूब पे आपको टू आवर्स देने हैं अगले फोर्टी फाइव डेज तक है ना जब तक एस क्लर्क नहीं हो जाता है तब तक आपको एटलीस्ट दो घंटे लाइव मेरे साथ आकर के देने हैं सुबह आठ बजे और ग्यारह बजे ठीक है है सुबह आठ बजे का सेशन द हिंदू एडिटोरियल आज भी आपको हो चुका है जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाकर के जरूर देखिएगा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं डबल वैलिटी चल रही है बैंक महापैक जरूर आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसमें सारी चीजें सारे फाउंडेशन बैचेस सारे के सारे नोटिफिकेशन दो भी वो सब इंक्लूड हो जाएगा टेस्ट सीरीज बुक्स एवरीथिंग डबल वैलिटी चल रही है कोड आपको यूज करना है वाई लेकिन प्योरली एस क्लर्क ओरिएंटेड जो बच्चे हैं उनके लिए मास्टर्स बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट दिसंबर को उस बैच को इस कोड को इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ये मेरा Y194, ये मेरा कोड है है रहा मास्टर्स का आपको बैच ठीक ये ध्यान रखिएगा फटाफट से इस बैच को आप ज्वाइन करिए प्री प्लस मेंस की टॉपिक वाइज तैयारी हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं एस क्लर्क की प्री प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज आपके लिए ये रहा एस कोड आपको लगाना है टेस्ट सीरीज के लिए और बुक्स पे आपको सेल चल रही है बच्चों ध्यान रखिएगा बुक्स पे आज आपकी सेल चल रही है एस बी आई जो क्लर्क के किट है उसको आप लोग एक बार जरूर अपने पास रखिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको, आपको यूज करना है और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आज चैलेंज मिस स्पेल्ट से ही शुरू हो रहा है आज का चैलेंज मिस से ही शुरू हो रहा है पिछले तीन दिन 20 तारीख को 21 तारीख को और 22 तारीख को ये तीन दिन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर किया राइट right? पता चल गया किस तरीके से चीजें आती हैं अब आज एक एक्सपेक्टेड पेपर मैं आपको करवा रहा हूं कि अगर आज आप पहली बार अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पेपर में आप कितना स्कोर कर सकते हैं तो आज एक हम लोग मॉक यहां पर करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और उसकी शुरुआत हम लोग मिस स्पेल्ट के साथ और यह चैलेंज है मिस मिसपेल्ट का ही पांच में से पांच मिस स्पेल्ट नहीं आएगा ठीक <coughs> है देखते हैं पांच में से पांच मिस स्पेल्ट कितने लोगों का आ पाता है ठीक है पहला क्वेश्चन ये रहा पहला क्वेश्चन आ चुका है पहला सवाल आ चुका है फटाफट पूरे तीस सेकेंड टाइम दे रहा हूं मैं टेंशन मत लो, वन बाय वन स्नो केक्स फेल फ्रॉम अ ग्रे स्काई ओनली टू लैंड एनमेल्ट इंस्टेंटली ठीक है क्या होगा? आंसर पे होगा स्नो केक्स नहीं होता है इट इज बर्फ बर्फ के कण जिसको बोलते हैं तो उसको इसकी इंग्लिश होती है, स्नो फ्लेक उसको होता है स्नो फ्लेक तो इट विल बी स्नो फ्लेक्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स होता है ना वैसे ही स्नो फ्लेक्स तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही बताओ सही बताओ झूठ मत बोलो बहुत सारे बच्चों के लिए पहला वाला ही नहीं यार काफी लोग आंसर दे दिए ऑप्शन नंबर है चलो कोई नहीं चार क्वेश्चन अभी बाकी हैं अगला सवाल अगला सवाल ये थोड़ा आसान है है ना ये वाला थोड़ा आसान दे दिया मैंने देखो बॉयकट के स्पेलिंग यहां पे गलत है बॉयकट का मतलब होता है बहिष्कार करना है ना तो बी ओवाई सी ओ डबल टी इट विल बी बॉयकॉट ठीक है कंज्यूमर्स कैन बॉयकॉट ठीक है आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर हो गया अगला <coughs> फटाफट फटाफट अल्ट्रोइस्टिक परोपकारी स्पेलिंग गलत है दिस इज अल्ट्रोइस्टिक ए एल टी आर यू आई एस टी आई सी उसको बोलते हैं अल्ट्रोइस्टिक ठीक है ना तो यहां पे स्पेलिंग आपकी गलत है आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल चौथा चौथा सवाल अरे यार लगता है पांच में से पांच आ जाएगा यार मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूं <clears throat> <clears throat> क्या होगा असासिनेशन जिसका मतलब होता है राजनैतिक हत्या असासिनेशन उसकी स्पेलिंग क्या होती है जितने एस है ना सब डबल होंगे ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन दिस इज एसोसिनेशन राजनीतिक हत्या आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यार अरे यार तुम लोग सब सही बना रहे हो यार मुझे लगा कि में ही मैं पहले पहला ही चैलेंज में फेंक दूंगा वेल डन वेल डन लेकिन आखिरी क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त है ना आखिरी सवाल बाकी है ये रहा पांचवा <coughs> लक्ष्य इतना आसान नहीं है ऑन बच्चे सब लोग सब लोग आंसर दें यॉर्कर कर है ये फटाफट फटाफट यस 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 ये देखो सब लोग बोल रहे हैं सर हाइकर 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 लेकिन हाइकर इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि हाइकर का मतलब आपका होता है पैदल यात्री हाइकर का मतलब आपका होता है पैदल यात्री है ना तो हाइकर इज द करेक्ट वर्ड आंसर यहां पे आपका होगा सूप इज लोग तो सूप ही आंसर दे रहे थे सॉरी <laughs> ठीक है हाइकर इज द करेक्ट वर्ड बट सूप जो है वो आपका आंसर गलत है क्योंकि देखो Soup, S -W -O -O -P, इसका मतलब एक्चुअली होता है पाउंस झपट्टा मारना स्पेशली आपने देखा है कि <coughs> बाज पक्षी को किस तरह बाज अगर झपट्टा मारते हो फटाक से एकदम लेकर के अपने शिकार को उड़ जाती है सो दैट इज सूप एक तरीके से हम लोग पाउंस बोल सकते हैं बिल्कुल झपट्टा मारना दैट इज सूप ठीक है लेकिन यहां बोला जा रहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से कॉजिंग देम टू डैश फ्रॉम डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की वजह से बिल्कुल एकदम मूर्छित होने लायक बात है डिहाइड्रेशन की वजह से एकदम लग रहा है जैसे कि कॉन्शियसनेस uh, चला गया बेहोश हो जाने लायक बात है तो उसके जो आपके लिए वर्ब होता है दैट इज इज सून एस ओ एन द राइट वर्ड आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर है ना तो अब मुझे फटाफट से एक बार बताइए सारे के सारे लोग कि पांच में से पांच कितने लोगों का आया है <coughs> पांच में से पांच कितने लोगों का आया सही बताना ईमानदारी से बताना ईमानदारी से ठीक है क्योंकि अब आपके सेलेक्शन की बात है यार ठीक है फटाफट फड़। पांच में से पांच हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फोर बाई फाइव थ्री बाई फाइव ठीक है बट इतने ज्यादा नंबर्स नहीं दिख रहे मुझे फाइव बाई फाइव फोर बाई फाइव थ्री बाई फाइव ज्यादा दिख रहा है बट चलो ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सारी के सारे नए वर्ड्स नई चीजें आपको पता चलती हुई जाएंगी ठीक है अब आ रहा है आपके सामने फिलिंदा ब्लैंक्स बहुत ही आसान लेवल होगा मिक्स लेवल होगा ये ठीक है और मजा आ जाएगा आज के इन फिलर्स को करके आपको मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा आज के फिलर्स को करके आज के जो पांच क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें आपको यह पता चलेगा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं कितने अप्रोचेस हो सकते हैं वो सारा का सारा आज आपको पता चलेगा फिल इन द ब्लैंक्स में पहला नंबर सवाल ये रहा। आग लगा दो सभी आग लगा दो बिल्कुल बिल्कुल समझो द डिजास्टर रिपोर्ट इस रिपोर्ट को हैंड ओवर किया गया है अथॉरिटी को अथॉरिटी को वो रिपोर्ट दी गई है फॉर काइंड डैश तो अथॉरिटी को वो रिपोर्ट दी गई किस लिए कि भाई थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू कर लें आप एक बार देख लें उसको थोड़ा उसको एनालाइज कर लें उसको राइट right? तो फॉर इज मैग्नानिमिटी मैग्नानिमिटी इसका मतलब आपका होता है काइंडनेस मैग्नानिमिटी का मतलब होता है काइंडनेस खत्म ये आएगा नहीं विजिलेंस का मतलब आपका होता है एक तरीके से अल, निगरानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना अलर्टनेस है, है ना अलर्टनेस निगरानी कहीं पे आप निगरानी रख रहे हैं ठीक है सर्विलेंस वगैरह उस वाले सेंस में आपको आ रहा है ये भी नहीं आएगा परडिशन का मतलब आपका होता है डिस्ट्रक्शन परडिशन इसका मतलब आपका होता है डिस्ट्रक्शन ठीक है ये भी नहीं आएगा पेरूजल का मतलब आपका होता है ऑब्जर्वेशन गो थ्रू करना कुछ स्क्रूटनी करना ऑब्जर्वेशन स्क्रूटनी और अबेटमेंट का मतलब आपका होता है डिक्रीज uh, अबेटमेंट है ना मतलब घट जाना किसी भी चीज का वो भी नहीं होगा आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी तो ये वाला जो पूरा सवाल था ये पूरा डिपेंड था आपके वो कैप के ऊपर ये जो सवाल था ये पूरा का पूरा आपकी वो को भी डिपेंड था मतलब ये है कि एस क्लर्क मैं अगर ये सवाल आया होता और अगर आपकी वो कैब वीक होती तो आप इस सवाल का आंसर नहीं दे पाते थे ये तो तय है तो इसका मतलब दिमाग में क्या आ रहा है कि अब आपको एसबीआई क्लर्क के लिए आपके पास वो कैब का भी अच्छा खासा एक स्टोर होना चाहिए ठीक है अगला सवाल नंबर सेवन इस कॉन्सेप्ट पे आपके प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क में फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे ठीक है ध्यान रखो <laughs> क्या आंसर आ रहा है फटाफट सेप्ट सीखो दो हालांकि अब जैसे ही दो आ गया ना तो हमको पता है कि दो जो है वो आपको क्या बताता है वो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है कौन सा कंजंक्शन है कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है इसका मतलब कि अगर दो से दो सेंटेंसेस जोड़े गए हैं तो एक तरफ पॉजिटिव है प्लस तो एक तरफ माइनस होगा एक तरफ अगर माइनस है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव होगा तो यहां बोला गया कि द पोएट पोइट कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है ना काफी कॉम्प्लेक्स पोएट्री पोएट ने यूज की हालांकि बहुत पोइट्री जो उसकी थी काफी कॉम्प्लेक्स पोइट्री थी लेकिन उसका जो थीम था थीम था तो अब पोयट्री क्यों? थी कॉम्प्लेक्स था, वो काफी था। हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते ना? अगर हमने यहां पर दो लगाया और पहले हमने तो दूसरा हमारा क्या आएगा पॉजिटिव है ना लेंदी नेगेटिव आ रहा है खत्म इक्वीव का मतलब होता है डाउटफुल डाउटफुल नेगेटिव है खत्म इन कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है समझने लायक इन मतलब नहीं समझने लायक तो ये भी हमारा नेगेटिव है ठीक है खत्म कॉम्प्लीकेटेड इसका मतलब कॉम्प्लेक्स ठीक है ये भी हमारा नेगेटिव है ये भी नहीं होगा आंसर आ जाएगा लूसिड जिसका मतलब आपका होता है सिंपल लूसिड सिंपल एंड क्या हम क्या बोल सकते हैं सिंपल एंड बिल्कुल एकदम सुगम इजी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड उसको हम बोल सकते हैं लूसेड तो आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है अगला सवाल ये रहा <coughs> एकदम एस एकदम एसबीआई क्लर्क एकदम एस क्लर्क लेवल का आपको क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है ठीक है जितने लोगों ने आंसर दे दिया प्लीज सेशन को एक बार लाइक like कर दें ठीक है शेयर आप लोग कर दीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को मत भूलिएगा करना ठीक है फटाफट -फड़ से लाइक like, शेयर क्योंकि अभी हम लोग 1850 लाइव चल रहे हैं ठीक है लाइव कितने चल रहे हैं हम लोग

ढोकर के लेकर के जा रहा था खींच रहा था पुल कर रहा था हॉल कर रहा था मतलब किसी भारी चीज को उठा के लेकर जा रहा था हीव का भी मतलब होता है कि किसी भी चीज को लिफ्ट करना भारी चीज को ऊपर उठाना ठीक है लेकिन Leki यहां पे खेल क्या होगा कि देखो अगर मैं यहां पे बोलता हूं देखो सबसे बड़ी बात यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये जो वॉज के बाद ये जो वॉज के बाद अगर मैं यहां पर थर्ड तो फॉर्म लगाता हूं वॉज के बाद अगर मैं यहां पर ये वाले थर्ड फॉर्म लगाता हूं तो इसका मतलब होता है कि यह पैसिव वॉयस में लिखा गया राइट अगर मैं वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगाता हूं तो इसका, वाला पुल्ड, तो इसका मतलब का जो पेर था, बैलों को ही जा रहा था तो बैलों को तो नहीं खींचा जा रहा था बैलों को उठाया जा रहा था नहीं बैलों को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा था नहीं अब पेयर ऑफ ऑक्सन वॉज कैरिंग लोडेड गन अ मायरी कंट्री लोड मायरी का मतलब होता है कीचड़ दलदल से भरा हुआ तो कीचड़ और दलदल से भरा हुआ और पीछे वैगन है इसका मतलब हम कहीं ना कहीं वहां से खींच करके लाने की बात कर रहे हैं तो हमारा कैरिंग सेंस नहीं आ रहा है हमारा सेंस आपका क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कौन सा सेंस आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए अगला इतना बड़ा सेंटेंस लिखा गया ना अब देखो तरीका ट्रिक देखो ब्लैंक के पास क्या लिखा हुआ है असाइड और असाइड सिर्फ हम किसके साथ यूज करते हैं टॉस असाइड सेट असाइड बाकी ये तीनों के साथ असाइड प्रपोजिशन हम लोग यूज नहीं करते हैं. तो ये हम लोग खत्म कर दिए ठीक अब या तो टॉस असाइड या तो होगा सेट असाइड तो देखो टॉस असाइड और सेट असाइड सेट असाइड का मतलब होता है कि सेव फॉर फ्यूचर यूज आप कुछ है ना अलग करके रख रहे हैं ठीक है फ्यूचर में यूज करने के लिए दैट इज सेट असाइड थोड़ा कुछ अलग करके रख दिया फ्यूचर यूज करने के लिए लेकिन यहां पे क्या है जो प्रेडिक्शन है क्रिकेट जो है वो क्या बोला रहा हमेशा सरप्राइज देता है जो प्री गेम प्रेडिक्शन होते हैं उनको डैश असाइड करता रहता है तो क्या फ्यूचर में यूज करने वाला सेंस यहां पे आएगा नहीं आएगा यहां पे आएगा टॉस असाइड जिसका मतलब आपका होता है रिमूव करना रिप्लेस करना गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना तो जाइड से बात है क्रिकेट हमेशा क्या करता है सरप्राइजेस देता है जो प्री गेम प्रेडिक्शंस होते हैं उसको क्रिकेट हमेशा क्या करता है उसको रिप्लेस करता है उसको रिमूव भी कर देता है हमेशा सरप्राइज क्यों क्योंकि प्री pre गेम क्या था इंडिया फेवरेट था सब लोग बोले थे रोहित शर्मा मारेगा एक सेंचुरी कोहली का तो फाइनल में सेंचुरी है ही ऐसा होगा वैसे होगा बुमराह इस बार विकेट लेगा मोहम्मद शमी नए बॉल से बॉल करेगा बहुत सारे लेकिन क्रिकेट ने क्या किया टॉस साइड एवरी प्रेडिक्शन मतलब सारे प्रेडिक्शन को रिप्लेस रिमूव कर दिया तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर ठीक है अगला फटाफट फटाफट बताओ क्या बोला जा रहा है इन वॉट कैन बी कॉल्ड अ रिलीव्ड मूव मतलब बोला जा रहा है कि काफी रिलीव्ड मूव था बहुत रिलीव्ड मूव था मतलब आराम पहुंचाने वाला एक स्टेप के रूप में तो आराम पहुंचाने वाले एक स्टेप के रूप में इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा किया गया होगा कुछ ना कुछ अच्छा क्या होगा तभी आराम पहुंचाने वाला एक स्टेप होगा तो आराम पहुंचाने वाले एक स्टेप के रूप में जो पावर टैरिफ है जो पावर टैरिफ से, जो के जो भी आपके से जो इंक्रीज इंक्रीज किया हो गया, गया नहीं उनको रिडीम रिडीम का मतलब होता है रेस्टोर करना फिर से प्राप्त करना नहीं आएगा सैटिएटेड का मतलब होता है सैटिस्फाई करना मीनिंग आएगा जो पावर uh, जो चार्जेस है उनको सेटिस्फाई किया गया नहीं होगा करटेल का मतलब आपका होता है रिड्यूस करना है ना तो आंसर ये सही होगा वीटिएटेड का मतलब आपका होता है डैमेज करना वीटीएटेड डैमेज है ना तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर ठीक है क्लियर हो गया आगे बढ़े अब हम आते हैं आपके एरर डिटेक्शन पे बिल्कुल रूल बेस्ड ठीक है रूल्स बेस्ड एकदम रूल बेस्ड ठीक आज सिर्फ एक झांकी है आज सिर्फ डे वन है एक मॉक हम लोग यहां पे कर रहे हैं उस मॉक के जरिए भी आपको बहुत सारी चीजें यहां पे, जब ये सेशन कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद आप एक घंटा जब सेशन को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ एक मिनट के लिए अगर आप सोचेंगे आंखें बंद करके कि आज के 11 बजे के इंग्लिश के इस सेशन में मैंने कुछ सीखा कि नहीं पता आपको आंसर क्या मिलेगा कि आज आपने सिर्फ सीखा ही सीखा है है ना और आप यह महसूस करेंगे कि वो इंग्लिश की क्लास एक घंटे की ही सिर्फ क्यों रही वो एक घंटे की क्लास हर दिन दो घंटे क्यों नहीं हो पाती ताकि मैं बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख सकूं आप यह महसूस करेंगे और 100% परसेंट आप यह महसूस करेंगे है ना चलिए आगे हम बढ़ते हैं एरर डिटेक्शन पे ये रहा पहला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल शी वॉज नॉट ओनली सिंपथेटिक टू द नीडी ह्यूमन बट ऑल्सो टू द एनिमल्स है ना हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो अगर एक साथ आ गया कहीं भी किसी सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो अगर एक साथ आपको दिख गया तो तुरंत जा घर जाना और जा करके अपने मम्मी पापा के पैर जरूर छू लेना क्योंकि उनके आशीर्वाद से एक आसान सा सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक रूल होता है दैट इज सिमिलर पीओ एस क्या रूल होता है सिमिलर पीओ एस का रूल होता है सिमिलर पीओ एस का मतलब होता है सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड आएगा बट ऑल्सो के बाद भी सेम वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड आएगा बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब है not only के बाद verb not only के बाद अगर noun है but also के बाद noun but also के बाद अगर preposition है not only के बाद भी preposition ठीक है और हम चेक किसको करेंगे हम चेक करेंगे but also को सबसे पहले कि but also के बाद आपका क्या है तो देखो but also के बाद आपका क्या लिखा हुआ है टू लिखा हुआ है ना preposition तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो not only के बाद टू को हटा दे अगर but also के बाद preposition है तो मैं एक ट्रिक आपको यहां पे दे रहा हूं कि बट ऑल्सो के बाद अगर कोई प्रपोजिशन लिखा गया है बहुत जबरदस्त ट्रिक है ध्यान रखना बट ऑल्सो के बाद अगर कोई प्रपोजिशन लिखा गया है सेम वही प्रपोजिशन नॉट ओनली के बाद भी आएगा सेम वही प्रपोजिशन बस आपको ढूंढने की जरूरत है यहां पे टू है बट ऑल्सो के बाद नॉट ओनली वाले पार्ट में टू कहां है यहां है ना तो बस नॉट ओनली को यहां से हटाओ और यहां ले आओ मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा कि शी वॉज सिंपथेटिक नॉट ओनली टू द ह्यूमन बट ऑल्सो टू द एनिमल्स वो काफी दयावान थी सिर्फ ह्यूम के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा अब आंसर हमारा बी नहीं होगा आंसर हमारा ए होगा क्योंकि यहां पे नॉट ओनली का यूज गलत है। ठीक है क्लियर अगला ठीक है मीनिंग दोनों की सेनौने में दोनों की सेम मीनिंग है आयरन एज अ टाइगर आयरन लाइक अ टाइगर ठीक है जिनकी ग्रामर वीक है उनको ये दोनों करेक्ट लगेंगे जिनकी ग्रामर वीक है उनको ये दोनों करेक्ट लगेंगे कि मैं टाइगर की तरह ही दौड़ता हूं मतलब एकदम फास्ट टाइगर की तरह दौड़ता हूं ठीक है लेकिन हमेशा याद रखिएगा एज और लाइक इनका अलग रूल होता है ठीक है इनका अलग रूल होता है एज फॉलोज सेंटेंस एज फॉलोज कंप्लीट सेंटेंस लेकिन जो लाइक like है लाइक like, ठीक है इट फॉलोज नाउन और अ प्रोनाउन मतलब समझे आप अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि आई रन एज अ टाइगर इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि मैं दौड़ता हूं जैसा कि एक टाइगर दौड़ता है तो आई रन एज अ टाइगर रंस या फिर एज अ टाइगर डज आपको यह वाली कुछ चीजें यहां लिखनी पड़ेंगी आई रन एज अ टाइगर डज या आई रन एज अ टाइगर रंस ठीक है क्लियर हो गया लेकिन यहां पे जब आप लाइक में लिखते हैं ना तो लाइक के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक नाउन ही लिखना पड़ता है जो जिससे कंपैरिज़न हो रहा है सिर्फ वही वर्ड आपको लिखना पड़ेगा आई सिंग ठीक है आई सिंग एज अ पैरट ये गलत है आई सिंग एज अ पैरट सिंग्स ठीक है या आई सिंग लाइक अ पैरट यहां पर भी बिल्कुल सेम वही चीज है यहां पर भी बिल्कुल आपकी सेम वही चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला रूल है नॉन अंडरस्टूड क्लियरली किसी ने साफ साफ नहीं समझा वाई ही कि उसने क्यों बिहेव किया एज अ फूल ये गलत है अब एज अ फूल यहां पे जो लिखा गया है आपका अरे यार शिट गलत हो गया ठीक है आई नॉन अंडरस्टूड क्लियरली वाई ही बिहेव एज अ फूल तो देखो वाई ही बिहेवड एज अ फूल लिखा गया ना तो अब ये पूरा एज अ फूल ये पूरा काट दो अगर आप एज लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एज अ फूल बिहेव्ड why he behaved as a fool behaved या फिर behaved के जगह आप सही होगा did लिखो ये प्रेफर होगा कि ही अंडरस्टूड क्लियरली किसी को भी नहीं समझ में आया why he behaved क्योंकि उसने क्यों बिहेव किया जैसा कि एक फूल बिहेव करता है why he behaved as a fool did जैसा कि एक फूल बिहेव करता है वैसा उसने क्यों बिहेव किया और या फिर अगर आपको इतना पसंद नहीं है लिखना तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए लाइक अ फूल दोनों का दोनों ही आपका सही होगा ठीक है तो किसी भी कॉन्टेक्स में आपका एरर कहां हो जाएगा आपका एरर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ये ध्यान रखिएगा डन क्लियर क्लियर चलिए नेक्स्ट एस बी आई क्लर्क की यह आदत है कि इसके जो एरर डिटेक्शन होते हैं ना वो प्योर ग्रामर रूल से भी आता है ठीक है वो आपको ईडियम्स बेस्ड भी आपको आते हैं और वो आपके फ्रेजल व बेस्ड भी आपको आते हैं वो आपको प्रपोजिशन बेस्ड भी आपको आते हैं तो ये चारों का चारों हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे ये वाला जो है ना ये आपका क्या है सॉरी फ्रेजेज ओरिएंटेड है फ्रेज uh, ओरिएंटेड ये आपका क्या है फ्रेज और इडियम और फ्रेज ओरिएंटेड है ये। देखो क्या है आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ डीप इंट्रोगेशन बहुत जबरदस्त पूछताछ हुई उसके कुछ दिनों बाद द सोल्जर रिपोर्टेड सोल्जर ने ये रिपोर्ट किया कि जो प्रिजनर था वो बाई लार्ज अब देखो बाई लार्ज कुछ होता नहीं है जो फ्रेज होता है ना वो होता है एट लार्ज ठीक है एट लार्ज मतलब होता है फ्री है ना जिसका मतलब होता है इनडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र आजाद जिसको बोल सकते हैं है, है ना इनडिपेंडेंट तो आंसर यहां पे क्या होगा एट लार्ज होगा मतलब इंट्रोगेशन हुआ ठीक है लेकिन इंट्रोगेशन के बाद रिपोर्ट ये किया गया कि जो कैदी था वो आजाद घूम रहा था तो आजाद का जो फ्रेज होता है दैट इज एट लार्ज होता है ना कि बाई लार्ज होगा ठीक है तो आंसर डी तो आप अपने दिमाग ये बात निकाल दें कि केवल के तो से केवल ग्रामर के डिटेक्शन पांच में से पांच आ जाए लेकिन एसबीआई की आदत है कि वो एडियम एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब प्रपोजिशन फिक्स प्रपोजिशन इन सब के आधार पे आपको डिटेक्शन देता है तो आपको पूरी की पूरी कॉम्प्रीहसि स्टडी चाहिए ठीक है अगला सवाल मीनिंग थोड़ा समझना मीनिंग समझ समझ के जाना माई ब्रदर सजेस्टेड मी, मेरे भाई ने सजेस्ट मुझे सजेस्ट किया क्या सजेस्ट किया दैट आई शुड बी रिटर्न अगर मैं बोलूं कि आई शुड बी मैंने बोला दिस शुड बी डन ठीक है मतलब इसे किया जाना चाहिए ठीक है इसे किया जाना चाहिए फिर मैंने लिखा दिस शुड बी रिटर्न मतलब इसे लिखा जाना चाहिए दिस शुड बी रिटर्न इसे लिखा जाना चाहिए राइट अच्छा अब मैंने यहां पे लिख दिया आई शुड बी रिटर्न इसका मतलब मुझे लिखा जाना चाहिए तो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे लिखा जाना चाहिए टू हिम उसको मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे लिखा जाना चाहिए उसको गलत है ना मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि है क्या आएगा कि माय ब्रदर सजेस्टेड मी मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया दैट आई शुड राइट टू हिम कि मुझे उसे लिखना चाहिए आई शुड राइट टू हिम मुझे उसे लिखना चाहिए एटलीस्ट एक लेटर हर एक मंथ ठीक है तो आंसर इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे दिया आपको आपको जरा सा हिंट मैंने दे दिया कि किसके ऊपर क्वेश्चन यह है यह सवाल है डैंगलिंग मॉडिफायर के ऊपर बींग ब्लाइंड इन बोथ आइज द डॉक्टर सजेस्टेड हिम नॉट टू ड्राइव अलोन डैंगलिंग मॉडिफायर मॉडिफायर का मतलब होता है एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव ठीक है डैंगलिंग मॉडिफायर मतलब वो शब्द जो मॉडिफाई करता है ठीक रूल यह बता रहा है इस सेंटेंस को आप पढ़िए बींग ब्लाइंड इन बोथ आइज ठीक है दोनों आंखों से अंधा था ठीक है दोनों आंखों से अंधा था अब दोनों आंखों से कौन अंधा था अगर मैं पूछूं तो आंसर क्या होगा जो लिखा गया है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या है कि बीइंग ब्लाइंड इन बोथ आइज दोनों आंख से अंधे होने की वजह से डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि अकेले ड्राइव मत करो ठीक है तो इसका मतलब अंधा कौन था अंधा ही था अंधा ही था लेकिन जो लिखा गया है जैसे लिखा गया उसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्लाइंड कौन था ब्लाइंड तुम्हारा डॉक्टर था लेकिन ये तो गलत है ब्लाइंड तुम्हारा कौन था ब्लाइंड तुम्हारा ही था ये सही होना चाहिए राइट right? तो बींग ब्लाइंड इन बोथ दाइस मतलब दोनों आंखों से अंधे होने की वजह से अब उसका डॉक्टर से शुरू किया गया तो जैसा लिखा गया उसका क्या मीनिंग आ रहा है कि दोनों आंखों से अंधे होने की वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसे कि अकेले ड्राइव मत करो मतलब डॉक्टर खुद दोनों आंखों से अंधा था और सजेस्ट कर रहा है ड्राइवर को कि तुम अकेले ड्राइव मत करो मीनिंग पूरा गलत है यार ना है ना इसलिए हमें इस वाले फ्रेज को अच्छे से यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है कि किसके लिए ब्लाइंड आया है वो मेंशन सही तरीके से नहीं हो पाया है इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहां पे गलत है क्या लिखेंगे वाइल ही वॉज ब्लाइंड ये जो पूरा बींग है इसको यहां से हम हटाएंगे और आपको क्या लिखना पड़ेगा वाइल्ड ही वॉज ब्लाइंड इन बोथ द आईज मतलब क्योंकि वो दोनों आंखों से अंधा था इसलिए डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि आप अकेले ड्राइव मत करो समझ में बात तो आंसर क्या होगा वाइल ही वॉज ब्लाइंड इन बोथ आईज द डॉक्टर सजेस्टेड हिम नॉट टू ड्राइव अलोन डन अगला अब हम आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट पे कोई भी कोई भी सेशन छोड़ के जाएगा नहीं मैं बार बार आपको कहता हूं सारे लोग फटाफट से एक बार लाइक कर देंगे जितने लोग हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा सारे के सारे लोग आप लोग कर रहे हो बहुत बढ़िया लेकिन फटाफट -फड़ से पूरा पूरा का पूरा सेशन एक सेकंड के लिए भी छोड़ करके नहीं जाना है अपने आप को हम मेरे हवाले कर दीजिए अगले पैंतालीस दिन तक पूरा का पूरा कोई प्रायोरिटी कुछ नहीं कोई माई बाप दूसरे सर कुछ कोई दूसरा सब्जेक्ट ये है वो कोई फोन मोबाइल कुछ नहीं फोर्टी डेज ग्यारह से बारह बिल्कुल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट पहला सवाल कितना आसान है क्लाइमेट क्या लिखोगे उसके बाद क्लाइमेट चेंज मतलब आर से ही आएगा मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म ये सारे ऑप्शन खत्म अब क्लाइमेट चेंज इज ट्रूली यूनिफाइंग फेनामिन दैट इट अफेक्ट द एंटायर तो इसका मतलब आर के बाद हमारा क्या आ रहा है क्यू तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ठीक है अगला दिस मे जैसे ही आ गया दिस मे ये कर सकता है तुरंत मे के बाद हम लोग क्या लिखते हैं वर्क का फर्स्ट फॉर्म एक एक हिंट दे दिया मैंने फटाफट से आगे करो क्या आएगा दिस में गो डाउन है ना तो एस सारे के सारे ऑप्शन खत्म आ रही आपका आएगा सो दिस में गो डाउन एज द ईयर एज द ईयर आफ्टर ऑफ रिलेटिव नेग्लेक्ट एंड इवन रिवर्सल बोला जा रहा है कि बहुत सालों के नेगलेक्ट के बाद ठीक है ये जो साल है ठीक है आफ्टर डेकेट ऑफ रिलेटिव नेग्लेक्ट एंड इवन रिवर्सल द नेशंस पॉलिसी एजेंडा व्हेन लैंड रिफॉर्म्स आर फाइनली पुट बैक ऑन एक मिनट एक मिनट दिस में गो डाउन एज दिस में गो डाउन एज द ईयर, एज द ईयर, आफ्टर डेकेट्स ऑफ रिलेटिव नेग्लेक्ट एंड इवन रिवर्सल दिस में गो डाउन एज द ईयर, वैन लैंड रिफॉर्म्स वीड फाइनली पुट बैक ऑन द नेशन पॉलिसी वजेंडा आफ्टर डेकेट्स ऑफ वेट 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 दिस में डाउन एज द ये दिस में गो डाउन ये जाएगा एज द ईयर ये उस साल के तरीके से इसको देखा जाएगा जब लैंड रिफॉर्म्स वर फाइनली पुट बैक ऑन जब लैंड रिफॉर्म्स को फिर से फाइनली लाया गया नेशनल पॉलिसी एजेंडा में बरसों के नेग्लेक्ट के बाद इसका मतलब आर क्यू एस पी ऑप्शन नंबर डी आएगा ठीक है अगला देयर इज देयर इज के बाद क्या लिख सकते हो There इज समथिंग यही आएगा There इज समथिंग यही आएगा <coughs> फटाफट करो There इज अ स्ट्रॉन्ग परसेप्शन एक बहुत जबरदस्त परसेप्शन है बोध हो रहा है तो क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये खत्म ये खत्म ठीक है तो आंसर और क्या आएगा There इज अ strong परसेप्शन that रिजर्वेशन दैट रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन कैन नॉट ट्रांसफर नहीं आ जाएगा क्योंकि रिजर्वेशन के बाद और, और कुछ आप जोड़ ही नहीं सकते क्यू के बाद क्यू के बाद सिंपल आप एस से जोड़ोगे तो क्यू के बाद ऐसा आ गया ऑप्शन नंबर ए बात खत्म ठीक है अगला सवाल मोर देन बिफोर पेयर ढूंढो पेयर पेयर कहां से कहां हो सकता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ एशिया डिपेंड्स तो डिपेंड्स ऑन इसका मतलब आर एंड एस आर एस कहां है ये गया ये दोनों है ये भी नहीं आएगा तो आर एस आपका ये रहा अच्छा पी क्यू आर एस होगा क्या मोर देन बिफोर ऑन द गुड गवर्नेंस एंड साउंड पब्लिक पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट पीपल टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड टू डिलीवर द कॉन्टीन्यू प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी अच्छा तो इसका आंसर क्या होगा मोर देन बिफोर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एशिया डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ इट्स पॉलिटिशियन एंड पॉलिसी मेकरस टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड टू डिलीवर गुड गवर्नेंस नहीं तो आंसर आपका आर से शुरू होगा कि जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ एशिया है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है तो आर से ही सेंटेंस हमारा शुरू होगा मतलब ये गया ठीक है आंसर ये भी गया आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी ठीक है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ एशिया जो डिपेंड करती है किस पे उसके पॉलिटिशियंस के एबिलिटी पे उसके पॉलिसी मेकरस की एबिलिटी पे ताकि वो अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें और डिलीवर कर सकें क्या डिलीवर कर सकें अच्छा प्रशासन डिलीवर कर सकें तो आंसर इसका आ जाएगा आर एस क्यू एंड पी नेक्स्ट अच्छा अठारह का डी अच्छा ठीक है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अठारह का डी ठीक है अठारह का डी भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं टेंशन मत लो ठीक है अच्छा इसमें देखो क्या है इंडिया म्यांमार बॉर्डर एस्टिमेटेड टू तो हैव इससे सेंटेंस तो खत्म होगा नहीं तो पी वाला ये खत्म पी वाला यहां खत्म अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है लिविंग इन एरियाज क्लोज टू दिन फोर सिक्स एट किलोमीटर मोर देन सिक्सटीन थाउजेंड पीपल ठीक है पीपल लिविंग इन एरियाज और यहां लिखा हुआ है चौदह सौ अड़सठ किलोमीटर कहां पे कौन सा ये जो चौदह किलोमीटर बात हो रही है ये किस चीज की बात हो रही है इसी बॉर्डर की बात हो रही है कि इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर जो चल रहा है चौदह उसके आसपास के एरियाज में रहने की बात हो रही है इसका मतलब एस और पी भी हमारे एक साथ है तो एस और पी हमारे एक साथ है मतलब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर दिस क्या आ, एक मिनट एक मिनट मिन। इसका आर से सुनो चाहिए ना मोर देन सिक्सटीन थाउजेंड पीपल लिविंग इन इतना इंडिया आर एस क्यू पी ये होना चाहिए अरे आर मोर देन इतना पीपल लिविंग इन एरियाज आर एस पी क्यू सॉरी आर एस पी क्यू होगा कहीं है आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू कहीं नहीं इसका आंसर आर एस पी क्यू होगा यार मेरा तुम सो सकते हो इसके ऑप्शन में हम कितनी गड़बड़ी करते हैं यार सामने दिया हुआ है वो मुझे दिखता नहीं है तो आंसर इसका होगा आर एस पी क्यू सॉरी ठीक है चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब हम आ गए वर्ड स्वैप ये तो बहुत जरूरी है एस बी आई का फेवरेट सेक्शन है ये ध्यान रखना ठीक है चलो फटाफट -फड़, पहला हंड्रेड मिलियन डॉलर क्या लिखा हुआ है एन अवेलेबल हंड्रेड मिलियन डॉलर वुड बी एडिशनल या अतिरिक्त हंड्रेड मिलियन डॉलर जो अवेलेबल अब अब होगा भूटान के लिए आंसर क्या होगा ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे ए एंड बी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या कि जो एडिशनल अतिरिक्त एक्स्ट्रा हंड्रेड मिलियन डॉलर जो है वो भूटान के लिए अवेलेबल होगा एक अरेंजमेंट के तहत है ना तो आंसर क्या होगा एन एडिशनल हंड्रेड मिलियन डॉलर वुड बी अवेलेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी ये दोनों गलत आ रहा है हमारा ठीक है अगला में समझ में आ जा रहा है दिस कैन मेक अस हेल्प अ गुड हैबिट या दिस कैन हेल्प अस मेक अ गुड हैबिट ये हमें अच्छी हैबिट बनाने में मदद करेगा या ये हमें दिस कैन मेक अस ये हमें करेगा अच्छी हैबिट हेल्प करने में नहीं ना ये हमें हेल्प करेगा अच्छी हैबिट बनाने में सो दिस कैन मेक अस हेल्प नहीं होगा दिस कैन हेल्प अस मेक होगा तो इसका ना फिर से आएगा ए एंड बी अगला ये वर्ड्स बहुत आसान आता है एस में बहुत आसान इट इज एन दैट पुअर मस्क्यूलर नहीं होगा पुअर मसल्स अगर होता तो होता क्योंकि यहां पे हमें नाउन चाहिए है ना और पॉस्चर का मतलब आपका होता है बॉडी लैंग्वेज पॉस्चर का मतलब आपका क्या होता है बॉडी लैंग्वेज तो जाहिर सी बात है ये कहावत है कि पुअर बॉडी लैंग्वेज उसकी वजह से मस्क्यूलर प्रॉब्लम्स हो सकता है इसका मतलब ये दोनों आपस में रिलेट चेंज uh, हो जाएंगे बी एंड डी कहां यार ये रहा बी एंड डी ऑप्शन नंबर फोर अगला सेंटेंस को हमेशा ध्यान रखना इस पूरे स्टडी के दौरान हमेशा मैंने आपको बताया है कि पीपीटी वाली टेक्निक जरूर रखना ठीक है पीपीटी टेक्निक जरूर रखना ये ध्यान रखना ओके सेंटेंस को पूरा जरूर पढ़ना क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि आपको जो हिंट मिलने वाला है वो सर... अरे यार आपको जो हिंट मिलने वाला है वो सेंटेंस के किस जगह पे मिलने वाला ये आपको भी पता नहीं है जैसे यहां पे पढ़ो पुटिंग मोर पुटिंग मोर मनी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना है पुटिंग मोर मनी इन रूरल डैश रूरल ग्रामीण डैश में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना है तो ग्रामीण अगर हमारा रूरल एडजेक्टिव हो गया तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो नाउन आना चाहिए ना लेकिन एम्पल जो लिखा गया है एम्पल उसका मतलब होता है क्या प्लेंटी ये खुद एक एडजेक्टिव है तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए कि डी नंबर हमारा एरर यहां पे श्योर sure एरर है डी नंबर इसका मतलब अदर देन डी जितने भी होंगे हमारे वो सब गलत अदर देन डी जितने भी होंगे वो सब गलत ठीक अच्छा तो रूरल के बाद यहां पे क्या आना चाहिए नाउन ही आना चाहिए चलो ठीक है तो अब यहां पर देखो रूरल गवर्नमेंट अब यहां पर देखो दैट द रूरल गवर्नमेंट इज ग्रामीण सरकार रूरल गवर्नमेंट बी नंबर तो हमारा एबसोल्यूटली करेक्ट है क्योंकि वहां पर वो चेंज हो ही नहीं सकता ठीक है ये वाला तो चेंज हो ही नहीं सकता बी नंबर हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है तो ये वाला भी ठीक ये वाला भी हमारा खत्म हो गया ऑप्शन एक ही ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर थ्री क्या आंसर होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आया एक और तरीका है देयर इज नाउ एविडेंस अब सबूत है ठीक है देयर इज नाउ डैश एविडेंस तो यहां पे जो वर्ड आना चाहिए वो क्या आना चाहिए वो एडजेक्टिव आना चाहिए कि, कि कितना सबूत है क्या सबूत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो नाउन है तो इसका मतलब ए भी हमारा गलत आ रहा है तो ए और डी दोनों गलत आ रहा है इसका मतलब आंसर यही होगा तरीका सीखो अप्रोच है ना अगला सवाल फ्रेज रिप्लेसमेंट एकदम फटाफट से करना है फ्रेज रिप्लेसमेंट एकदम फटाफट ठीक है एक एक सेकंड में चलो मतलब एक सेकंड में पांच सेकंड में मूवीज आप लोग देखते हैं ना कि किसी का एक्चुअल नाम जो है या फिर आ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उस नाम के पीछे स्मगलिंग वगैरह कर रहा है तो यहाँ भी वही लिखा गया है कि जो फॉर्जरी और चीटिंग केसेस हैं प्राइवेट कॉमर्शियल एक फैक्ट्री या प्राइवेट कॉमर्शियल एक कंपनी है उस नाम के पीछे तो अंडर द गाइज ऑफ लिखते हैं हम लोग उसको कैसे लिखते हैं अंडर द गाइज ऑफ लिखते हैं कैसे लिखते हैं अंडर द गाइज ऑफ गाइज का मतलब होता है उस नाम के पीछे ठीक है उस पर्दे के पीछे ठीक अगला टू लिखा हुआ है तो टू के साथ तो डिशिंग आएगा नहीं टू डिश आउट आएगा मतलब प्रोवाइड करना डिश आउट प्रोवाइड करना कोई चीज देना ठीक है बीफ ऑफ का मतलब आपका होता है इंक्रीज बढ़ाना है ना तो इज ऑलरेडी वहां पे है तो सिटी का जो आईटी हब है वो बीफ ऑफ कर रहा है सिक्योरिटी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो सिक्योरिटी है वो बीफ कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है बढ़ा रहा है तो इज अगर है तो यहां पर क्या हो जाएगा बीफ डब तो नहीं लिख सकते क्योंकि बीफ डब का मतलब होता है सिटी के आईटी हब को ही बढ़ाया जा रहा है नहीं सिटी का जो आईटी हब है उसने ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ाया है तो इसका मतलब यहां पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगा हमारा यहां पे क्या आएगा इज बीफिंग केवल बीफिंग नहीं आएगा क्योंकि बीफ तो नहीं, तो तो पे, पे नहीं आएगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगा ऑलरेडी इज है तो यहां पर वॉज भी हमारा नहीं आएगा आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए अगला वर्ड यूसेज अट्ठाइस उन्तीस वर्ड यूसेज फटाफट से नेक्स्ट फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस कॉम्पिटेटिव इसका इनकरेक्ट सेंटेंस निकालना है कॉम्पिटिटिव <coughs> कॉम्पिटिटिव <coughs> का मतलब आपको क्या होता है बहुत ज्यादा Uh, क्या बोल सकते उसको कंपटीशन रखने वाला है ना काफी ज्यादा अपने आप को दूसरे के कंपैरिजन में ठीक है मतलब तुलना करते हुए चलने वाला कॉम्पिटेटिव नेचर ठीक है हमेशा वो प्रतियोगितात्मक जिसको बोलता है प्रतियोगितात्मक जो नेचर रख करके चलने वाला तो वो इतनी कॉम्पिटेटिव है वो बहुत कॉम्पिटेटिव है इसलिए वो किसी दूसरे को मैच जीतने नहीं देगी एब्सोल्युटली करेक्ट कॉम्पिटेटिव सेल्समैन जो है वो पूरे दिन रात जो है वो काम कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए तो कॉम्पिटेटिव सेल्समैन तो नहीं आएगा हार्ड वर्किंग सेल्समैन आएगा ना क्योंकि कॉम्पिटेटिव सेल्समैन दिन रात काम कर रहा है तो इसका मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है वो तो यहां पर कॉम्पिटेटिव का मीनिंग सही नहीं है बाकी सब में सही होगा कि ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो हाईली कॉम्पिटेटिव बिजनेस है बहुत ज्यादा हमेशा तुलना होता रहता है जो ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटेटिव है ठीक है सब लोग एक से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा

का मतलब होता क्या स्टीट फास्ट का मतलब होता बहुत ही डिटरमेंट अडिग है ना ठीक और एक वर्ड इसकी एक मीनिंग होती है लॉयल स्पेशली अपने 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 सिद्धांत ठीक है वर्ड्स अपने अपने को लेकर के तो यहां लिखा मदर रियली लव्ड माई फादर मेरी माँ मेरी पापा को वाकई बहुत प्यार करती थी और वो बहुत स्टीट फास्ट रही अपने शादी के वचनों को लेकर के मेरे पापा के मृत्यु के बाद भी तो स्टीट फास्ट बिल्कुल करेक्ट है यहां पे द स्टीट फास्ट वेदर जो डिटरमेंट वेदर था ठीक है उसकी वजह से मुझे अपने शॉर्ट्स चेंज करने पड़े मोटे कपड़े पहनने के लिए तो डिटर्मिट वेदर लॉयल वेदर का कोई मीनिंग यहां है नहीं तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस आ जाएगा ठीक है ठीक है क्लियर बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था अच्छा उनतीस नंबर क्वेश्चन है अभी सॉरी मैथ द कॉलम एक क्वेश्चन और है हमारा चलो फटाफट मैथ द कॉलम करो पूरे तीस क्वेश्चन करेंगे हम लोग कैसे बोला था मैंने इससे पकड़ने के लिए है ना सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को देखो ए डी द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट हैव ऑल रिटायर्ड का कोई मीनिंग नहीं है ठीक है ए द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट वॉज वेन आई वॉज नाइन ईयर ओल्ड कोई मीनिंग नहीं अच्छा अब हम लोग बी का पकड़ेंगे बी डी द टीचर्स हु टॉट मी इन द स्कूल वो शिक्षक जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया हैव हैव ऑल ऑल रिटायर्ड रिटायर्ड द टीचर्स बी डी सही लग रहा है अच्छा सी चेक करते हैं द लास्ट टाइम आई विजिटेड शिमला वॉज वेन आई वॉज नाइन योल बिल्कुल करेक्ट लग रहा है आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बस आज इतना है भाई और यह है आपके होमवर्क का क्वेश्चन दिस इज फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन क्लोज टेस्ट कहीं किसी भी जगह पे आपको इस तरीके का ना तो कंटेंट मिलेगा ना तो इस तरीके की सारी की सारी चीजें मिलेंगी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज का जमाना वैसा हो गया दोस्तों आज हम लोग वही सारी चीजें बात भी कर रहे हैं आजकल का जमाना ही वैसा है कि अगर आप बोलेंगे नहीं अगर आप शो नहीं करेंगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा ठीक है मैंने सिर्फ पढ़ा करके बहुत सारी चीजें करके हमने देख लिया और जरूरत है मैं खुद अभी मानता हूं कि मेरी जरूरत है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जरूरत है और इसलिए YouTube पे आप बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आप अपने संतोष सर को पाएंगे आप अपने संतोष सर को पाएंगे बस सिर्फ इतनी तमन्ना है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद आप सब लोगों के जितने मम्मी पापा हैं माँ पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे ठीक है बस अपने बच्चे को इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहें ताकि जबरदस्त तरीके से मैं आप सब लोगों के साथ यहां पे रह सकूं आपके एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए ठीक है तो ये देखो होमवर्क का भी मैंने आपको क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं कहीं पे भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं यार इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ग्यारह बजे मेरे साथ जुड़ना है आप सब लोगों को ठीक है ये लिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन और ये आपको आंसर्स भी है होमवर्क का तो इसका आंसर देखिएगा मत ये ध्यान रखिएगा आज हमारे साथ लगभग ट्वेंटी वन हंड्रेड यहां पे लाइव थे बच्चे है ना मैं उम्मीद करता हूं हर रोज सारे के सारे बहुत बच्चे हैं जिनको पता नहीं है इस सेशन के बारे में वो जिम्मेदारी थोड़ी सी एक दिन आप जरूर लें और याद रखिएगा अगर आप अच्छा काम करते हो तो ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन बढ़ेगा नहीं अच्छा काम करते तो इसका फल जरूर मिलेगा यार जरूरत है उन बच्चों को और मैं बोल नहीं सकता हूं ये आप शेयर कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप करिए थोड़ा बताइए जो लोग आपके दोस्त लोग जहां पे भी हैं ग्रुप में भी आप पढ़ रहे हैं फटाफट सुन जगहों पे शेयर करिए ठीक है क्लियर हो गया और डबल वैलिटी बैंक महापैक एनरोल आप लोग जरूर करिएगा कोड आप लोग मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं वाई वन नाइन फोर और यह है वो आपको मास्टर्स बैच जो एक दिसंबर से आपका शुरू हो रहा है आपके एस बी आई क्लर्क प्री प्लस मेन्स का बैच आपके जीवन की दिशा को चेंज करने वाला वो बैच मास्टर्स डिसंबर वन स्टार्स ठीक है ये कोड है मेरा आप चाहे तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड है जितने बच्चे मेरे कोड को लगाकर इस बैच को ज्वाइन करना चाहे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है ठीक है ये रहा टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेन्स का ठीक है और ये है है, यह है आपकी एस की बुक किट लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ना उसमें सेवन बुक्स है एस वाला कोड आपको लगाना है वाई वन नाइन फोर और एस वाला कोड लगाना है सबसे कम प्राइस पे आपको बुक की किट पूरी की पूरी मिलेगी और राइट चलिए थैंक यू वेरी मच अच्छा लगा आप सब लोग मेरे साथ थे वो जो अभी मैंने आप लोगों को ये जो होमवर्क आपको दिया था क्लोज टेस्ट का फटाफट -फड़ से उसको सारे के सारे लोग सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सेशन कैसा लगा आप सब लोगों को जरूर मुझे बताइएगा भर भर के सेशन को लाइक like आप लोग जरूर करिएगा शेयर जरूर करिएगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर आप सारे के सारे लोग कर देना है ना कल फिर से आप सब लोगों का इंतजार रहेगा एक जबरदस्त कल भी हम लोग जो है वो यहां पे एक फिर से कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड मोस्ट ऑबली सैटरडे वी विल डू समथिंग एक्स्ट्रा वी विल डू समथिंग न्यू ठीक है सो so, आज और कल आप लोगों के लिए दो चीजें फिर सैटरडे को फिर हम लोग कुछ नई चीजें अब करने वाले हैं कुछ भी हो जाए सुबह ग्यारह बजे का सेशन आप लोगों को मिस नहीं करना है मतलब नहीं करना है राइट थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ध्यान रखिए ख्याल रखिए खुश रहिए पढ़ते रहिए और आशीर्वाद बनाए रखिए आप जितने भी बच्चे हैं यहां पे आप सब लोगों के माता पिता को प्रणाम और आशीर्वाद बनाए रखें थैंक यू